We have Mrs. Keval Kaur, who has come from Haryana, and we have Mrs. Meenu Sharma, who is a very talented artist. So we will listen to their experiences, their stories, and what they have to share with us. We will start with Mrs. Keval Kaur. सबसे पहले मैं अपने आप को आज यहाँ खड़े होने का भाग्य समझते हुए इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करूंगी अपना कुछ विचार। मेरा नाम केवल कौर है, मैं हरियाणा से कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, और जो ये मेरी इस तरह से डॉक्टर के पास पहुंचने की जर्नी है, थोड़े उसके जो एक्सपीरियंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि किस तरह से, कितने लंबे समय से और कितनी मिजरेबल कंडीशन से होकर मैं आज यहां आ सकूं। 5 साल पहले मुझे बैक की प्रॉब्लम शुरू हो गई और काफी लंबा ट्रीटमेंट कई जगह से कराने के बाद ठीक नहीं हुआ और मैं बिल्कुल 2 साल लंबे टाइम तक बेड रेस्ट पे, जिसमें कि मेरा फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ टोटली लॉस, जीरो। और मैं इतनी ज्यादा वीक हो गई कि मेरा वेट 24 किलो लूज हो गया, मसल लॉस, पेन, इन्फ्लेशन, सिर दर्द, वॉमिटिंग, बुखार की पूरी फैमिली डिस्टर्ब। बहुत जगह से ट्रीटमेंट करने के बाद जब कुछ नहीं ठीक हो रहा था तो हमें अपने सर्कल में डॉक्टर अशीष सिंगल जी के बारे में पता चला, तो हम यहां पहुंचे। यहां पहुंच के जो हमें फर्स्ट विजिट से ही ट्रीटमेंट मिला, तो अंदर आते ही जो प्रोसेस हमने फॉलो किया उसे हम काफी फर्स्ट विजिट में थोड़ा सेटिस्फाइड हो गए, और बाकी जो ट्रीटमेंट शुरू हुआ कुछ टाइम में हमें फर्क लगना शुरू हो गया। मैं खाना बिल्कुल किसी टाइम भी नहीं खाती थी, क्या है थोड़ा सा, कभी थोड़ा सा चावल ले लो फिर वॉमिटिंग हो जाएगी, फिर कभी थोड़ा सा आप उपमा, जो बिल्कुल लाइट डाइट लगेगी। पहली बार तो लेने का मन नहीं करता, पर दवाइयां कैसे खाएंगे, तो दवाई खानी है तो अंदर कुछ है तो फिर वॉमिटिंग हो जाएगी। मतलब मैं आपको अपनी इतनी मिजरेबल कंडीशन कि मैं आपको कैसे बता सकती हूँ कि मैं बैठ गई थी, जो मैं आज बोल रही हूँ ना मैं यही बोलती, आप मेरे पास हो मैं यहाँ से आपके साथ बात नहीं कर सकती। जिसने मेरी बात सुनी है वो मेरे पास आएगा, तब मेरे पास बात करेगा, और कोई रिश्तेदार या कोई फैमिली मेंबर आके बैठ जाए और बातें करे ना तो मैं सुन भी नहीं सकती। मैं बोलती हूँ अपने हस्बैंड को या बेटे को, प्लीज आप इनको ना दूसरी साइड बैठा लो, ज्यादा लंबी बात तो मैं, ये लोग बैठे हैं कितना चुप बैठेंगे, कुछ बात करेंगे, लेकिन मैं वो भी नहीं सुन सकती। जबकि मैं एक वेल हेल्दी फिट लेडी थी, मैंने गवर्नमेंट जॉब किया, मैंने एनसीसी में एज एएन ऑफिसर काम किया, पर मैं वहां फर्स्ट रैंक पे आई। कभी सोचा नहीं था कि मैं इस हालत में बेड पे जाऊंगी, पर मैं थैंकफुल हूं डॉक्टर अर्शद सिंगल के लिए
कि किसी तरह से भगवान ने हमें रास्ता बताया और इनके पास हम आए और इन्होंने हमें इतने अच्छे से ट्रीट किया, पूरा डायग्नोस किया, इन्वेस्टिगेशंस, टेस्ट, फिर अपना हिस्ट्री ए टू जेड, एक एक बात शायद मैं खुद जानती नहीं थी कि मैं इनको कैसे बताऊं, जो इनको ये तरीके थे हमसे पूछने के, और इन्होंने एक एक चीज हमारी नोट की, टेस्ट रिपोर्ट्स आई, सब कुछ इन्होंने स्टडी किया और उसके हिसाब से उन्होंने अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। और कुछ टाइम के बाद जो मैं एक भी खाना बिल्कुल नहीं खाती थी, मैंने बाजरे की रोटी खानी शुरू कर दी और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं रोटी खा रही हूँ, जबकि मैं खाना ही नहीं खाती थी कुछ भी। तो मैं नेक्स्ट विजिट में जब डॉक्टर के पास आई तो मुझे अच्छा लगा बताने में कि मैंने जो कि हैवी खाना है, मैंने ये ना रोटी खानी शुरू कर दी है, शरीर बिल्कुल हड्डियां हैं, देखने वाले ना कोई उम्मीद ही नहीं करता था कि ये अभी थोड़े दिन है। जो हमारे बहन भाई बिल्कुल नियर एंड डियर थे, मेरे हस्बैंड को भाई ने धीरे से एक साइड में कहा कि अब ये थोड़े दिन का काम है, पर मुझे खुद को भी लगता था कि अब बात कुछ नहीं है, पर भगवान ने रास्ता निकाला। हम यहाँ आए, डॉक्टर साहब ने बहुत ही कीनली इंटरेस्ट लेके कि आप ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं है, भगवान में विश्वास रखो, दवाइयां तो चलेंगी साथ में, पर आपने पॉजिटिव सोचना है, आपने डरना नहीं है कि बिल्कुल मैं तो कैसे हूं और मैंने ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए और हमें भी कॉपरेट करना जरूरी था कि अगर पेशेंट कॉपरेट नहीं करेगा तो भी काम मुश्किल है। तो हमें भगवान पे भरोसा रख के अपना ट्रीटमेंट कराना है और पूरा विश्वास है कि हम पॉजिटिव सोचें और जो चीजें हमारी लॉस होती हैं हम उनमें बहुत ही अच्छी तरह से रिकवरी करेंगे। जब मैं बेड पे थी ना तो मैं किसी को बुला नहीं सकती, मेरे पास फैमिली ने घंटी रखी कि आप किसी को बुला नहीं सकते, घंटी बजा देना, जगह जगह उसके वो लगा रखे उन्होंने कि जहाँ कोई होगा ना आपके पास आ जाएगा बात सुनने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा कुछ काम भी देखना होगा, फैमिली बहुत छोटी है, तो किसी भी तरह करके आज मैं यहाँ हूँ और मैं थैंकफुल हूँ। ट्रीटमेंट मेरा अभी भी चल रहा है, मुझे 5 साल हो गए हैं, 2 साल बाद ट्रीटमेंट चला, 3 साल डॉक्टर साहब के पास भी है, और मैं पूरे भरोसे से हूँ कि हम भगवान करे जहाँ थे वहीं पे जाए, और मैं थैंकफुल हूँ कि आज इस दिन पे मैंने अपनी लाइफ में यहाँ आके बोलना, मेरे को बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया कि मैं तो इतने अच्छे अच्छे फंक्शन ऑर्गेनाइज करती थी और मैं तो कहीं भी नहीं, मैं तो जीरो हूँ, और मुझे आज बहुत अच्छा फील हुआ, मैं लकी हूँ कि मैं चाहे मैं अपना दुख ही शेयर कर रही हूँ यहाँ, पर मैं अपने 4 साथियों के साथ आज खड़ी हूँ, और मैं आपको भी सबको यही संदेश देना चाहूंगी कि हम विश्वास रखें, डॉक्टर साहब पे भरोसा रखें, भगवान पे भरोसा रखें, और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है जो हमेशा इन्होंने बताई है, जो भी इन्होंने चार्ट दिए हमें इनकी वीडियोस भी मिलती है, और आप सब इन चीजों के बारे में जानते ही होंगे कि इन चीजों में डॉक्टर साहब ने अभी बहुत कुछ इसके बारे में सब बता दिया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके, तो मैं समझती हूँ कि हमें विश्वास के साथ चलना चाहिए और जरूर ठीक।